मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में बड़ा जोर देकर बार बार रिपीटेशन करके ये नियम बताया गया, जो शायद बहुत महत्व का है, इसलिए रिपीटेशन बहुत हुआ है। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना चाहिए। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो पात्र खुला होना चाहिए, भगोना होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। क्यों? तो उसके आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। बनते हुए भोजन को, पकते हुए भोजन को, सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श। अब सूर्य का प्रकाश, आजकल हमारे घरों में चूल्हे खत्म हो गए, पहले गांव में चूल्हे होते थे, आज भी है, तो खुले में होता है ना चूल्हा, तो सूर्य के प्रकाश की संभावना पूरी है। और वो अलग से बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम तंदूर कहते हैं, तंदूर भी खुले में बनाते हैं तो वहां भी सूर्य का प्रकाश आना संभव है। तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूर्य का प्रकाश आएगा, वो पक्की बात। नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवन जा सके, उसमें हवा जा सके, प्राणवायु जा सके। प्राणवायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने आग, सीधी सी बात, आग है ऑक्सीजन। तो बनते हुए खाने को आग की ही जरूरत है, वो ऑक्सीजन से ही मिलती है। इसलिए जितना खुला रहेगा भगोना या कढ़ाई, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा प्राणवायु जाएगी, और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छे से पकेगा। नीचे से आग लग रही है वो अग्नि की है, ऊपर से आग है वो ऑक्सीजन की है, वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा क्योंकि कंप्लीट उसका कुकिंग। इसका सीधा सा मतलब एक ही है, प्रेशर कुकर में खाना मत बनाइए क्योंकि वो खुला होगा नहीं। प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद है, ना उसमें पवन जा सकता है ना प्रकाश जा सकता है। उसमें से पवन बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कुकर का खाना क्वालिटी में सबसे खराब है। हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया, कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये समझने के लिए कुकर में दाल बनाई और भगोने में दाल बनाई, दोनों को टेस्ट किया, तो पता चला कि कुकर की दाल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है ही नहीं ज्यादा, और खुले हुए भगोने की बनाई हुई दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुकर से। कढ़ाई में दाल बनाई, कढ़ाई में सब्जी बनाई, और कुकर में दाल बनाई, कुकर में सब्जी बनाई, दोनों की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दो कारण से, एक तो कुकर में पवन नहीं गया, प्रकाश नहीं गया, दूसरा कुकर जो है वो एल्यूमिनियम का है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ हवाई जहाज बनाने, मिसाइल्स बनाने के लिए, चंद्रयान बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसको प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है एल्यूमिनियम। और हवाई जहाज 35,000 फीट पे होता है तो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, अगर स्टील का हवाई जहाज बनाएंगे तो फट जाए, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का बनाया जाए। एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत अच्छा मेटल है, मिसाइल बनाने के लिए अच्छा है, यान बनाने के लिए अच्छा है, ये खाना बनाने के लिए अच्छा मेटल नहीं है क्योंकि हैवी मेटल है, बॉडी में जाएगा तकलीफ करेगा। सोलर कुकर में अगर आपके ये जो यूटेंसिल्स हैं पात्र, अगर वो एल्यूमिनियम के नहीं है तो अच्छा, क्योंकि सोलर कुकर में भी एल्यूमिनियम के ही पात्र आजकल रखने का। मैंने एक सर्वे किया था मेरे जीवन में, जिस दिन से मुझे ये बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए मैं सबको बोल के कहता हूँ, ये 1000 गरीब मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, 1000 से ज्यादा है, और कई साल से ट्रीटमेंट उनका चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है, आप जानते हैं टीबी जल्दी ठीक नहीं होती। उनके घरों में जाके मैंने देखा क्या होता है भाई, क्यों इनको टीबी है, क्यों अस्थमा है, क्यों दमा है, न सिगरेट पीते, न बीड़ी पीते, न तंबाकू खाते। तो घरों में जाके देखा तो रोज एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। क्यों? तो कहते जी सस्ता है। बात तो सही है, सस्ता है, उनको बाकी मेटल्स बहुत महंगे पड़ते हैं, तो चूंकि सस्ता है इसलिए एल्यूमिनियम का वो बर्तन लाके खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, और उसका अंतिम दुष्परिणाम है टीबी से मर रहे हैं। इधर पैसे बचाए, उधर अपना जीवन कमाते हैं। और मैं आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि एल्यूमिनियम के बर्तन भारत में खाने पीने के काम में कब से आए। अंग्रेजों की जब यहाँ सरकार चलती थी इस देश में, तो अंग्रेजों के देश में एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ 18th सेंचुरी। उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज वगैरह बनाया 1905 में। उस समय अंग्रेजों को किसी वैज्ञानिक ने बताया उनके देश के कि ये खाने पीने के लिए बहुत खराब, बाकी के लिए अच्छा है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया कि भारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सबको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दो ताकि जल्दी मरे। हमारे जो क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के लिए वो सब आतंकवादी थे, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला, तात्या टोपे, ये सब हमारे लिए क्रांतिकारी, देश की आजादी लाने वाले, अंग्रेजों के लिए वो सब खतरनाक लोग। तो अंग्रेज चाहते थे कि जेल में बंद करके इनको मारा जाए और स्लो पॉइजन लेके मारा जाए, पता भी ना चले और मर भी जाए। तो उनके लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन लाए, और तब से भारत की जेलों में कानून आ गया कि जो जेल का कैदी है उसको एल्यूमिनियम के पात्र में ही चाय मिलेगी, एल्यूमिनियम के पात्र में ही पानी मिलेगा, उसी में रोटी खानी पड़ेगी, उसी में सब। और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन वो कानून अभी भी है। अभी भी जेल में आप जाएंगे तो हमारे भाई बंदे जो कैदी बन के वहां हैं उनको एल्यूमिनियम में ही खाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, जेलर हैं, मैं वो बहुत उनको बोलता हूँ कि इसको बदल दो, अंग्रेजों के जमाने का नियम था, अब तुम बदल दो,
तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं बदल सकते, ये संसद बदलेगी। तो संसद में बैठे हुए लोगों को बताओ समझाओ, तो कहते हैं आप समझाओ, मैं क्यों समझाऊं, सुप्रिंटेंडेंट कहता है, जेलर कहता है, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ ना। और फिर वो अंत में कहता आप ही संसद में जाओ ना और जाके इस कानून को बदलो। माने मैं आपको जो इनसेंसिटिविटी बताना चाहता हूं हमारी सरकार की, कि आजादी के 60 साल के बाद भी ये नियम कायदा कानून बदला नहीं गया इस देश। एल्यूमिनियम के बर्तनों में आज भी वहां खाना बट रहा है और वो आज भी टीबी और अस्थमा और दमा से मर रहा है। अंग्रेजों के जमाने में तो क्रांतिकारियों को होता ही था ये दोनों बीमारी। तो मेरी आपको विनती है कि आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन तो कभी मत लाएं। कुकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा। फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है, मैंने उसका भी कैलकुलेशन किया, कुकर में दाल बनाने में 10 मिनट लगता है और भगोने में दाल बनाएंगे तो उसमें 25 मिनट लगता है, बस इतना ही अंतर है। 15 मिनट आप बचाते हैं एक दिन में, तो महीने का, फिर साल का, फिर 100 साल का कैलकुलेशन मैंने किया, तो जितना समय आप बचाते हैं उतना आपका हॉस्पिटल में चला जाता है जब आप दमा के मरीज हो जाते हैं या अस्थमा के मरीज हो जाते हैं या टीबी के मरीज हो जाते हैं, और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ। समय तो जाता ही है, पैसा भी जाता है। तो अल्टीमेटली ये कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए कि आपने 15 मिनट बचा लिया। आप अपने घर के टाइम को थोड़ा मैनेज कर दीजिए। जैसे दाल पकने को रख दिया, 25 मिनट लगना है खुले बर्तन में, ये पक्का है, तब तक आप दूसरे काम निपटा लीजिए। कोशिश कुछ इस तरह से। तो आप बोलेंगे सबसे अच्छे बर्तन कौन से हैं, एल्यूमिनियम तो सबसे खराब है ये जान लीजिए। फिर सबसे अच्छे जो बर्तन भारत में माने जाते हैं उनमें है पीतल, सबसे अच्छा भोजन बनाने के लिए, भोजन खाने के। पीतल के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा एलॉय है वो कांसा। कांसे के बर्तन अभी भी बनते हैं पंजाब में, हरियाणा में, छोटे छोटे गांव में बहुत सारे बर्तन बनाने वाले लोगों की जातियां हैं जिनको शायद ठटेरे कहते हैं, वो लोग बनाते हैं ठोक कर पीट कर। तो कांसे के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। पीतल के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा दही, दही हमेशा कांसे के बर्तन में खाएं तो अमृत है, लोहे के बर्तन में खाएंगे तो वो लोहे ही जैसा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। हरा कब होता है, जब दही खट्टा होता है। खट्टा दही कांसे के बर्तन में डालने से पहले नमक, सॉरी गुड़ मिला के फिर आप खाइए, कभी भी हरा नहीं होता। दही जैसे ही खट्टा हुआ तुरंत गुड़ डाल दीजिए। हाँ, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए थोड़ी व्यवस्था ये करनी है कि कांसे के बर्तन में सब्जी डालनी है तो जितना जल्दी खा लेंगे उतना अच्छा है, जितना जल्दी खा लेंगे। उसको स्टोर करके नहीं रखना। स्टोर करने के लिए जो बर्तन है वो पीतल वाले, और स्टोर करने के लिए इन दोनों से भी अच्छे कुछ बर्तन है, पीतल और कांसे से भी अच्छे कुछ बर्तन है चांदी के, सिल्वर। लेकिन चांदी इतनी महंगी है, 20,000 रुपए किलो है, तो मैं डर लगता है किसी को बताऊं। और चांदी से भी अच्छे बर्तन होते हैं सोने के, स्टोर करने के लिए, लेकिन सोना तो और भी महंगा। अब आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इन सबको नहीं कर सकते तो मिट्टी के बर्तन ले, चीप एंड बेस्ट। मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी का तवा आता है, हांडी में दाल पकती है, हांडी में सब्जी भी पकती है, हांडी में चावल भी पकता है, हांडी में खिचड़ी भी पकती है और तवे पे रोटी भी बनती है। मिट्टी की हांडी 15-20 रुपए में मिलती है, 3-4 महीने चलती है, यूज एंड थ्रो है, टूट गई तो फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए। उससे हमारी इकोनॉमी भी चलती है। हाँ, गैस पे चलेगी, बराबर चलेगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मिट्टी की हांडी में दाल पकाई या चावल पका, कुछ भी पकाया, तो गैस धीमी रखी। मिट्टी की विशेषता है कि उसको आग धीमे 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 चलो, तो धीमी आग में पकाएंगे तो गैस की बचत होगी और जो दाल पकेगी उसका स्वाद इतना जबरदस्त होगा कि आप उंगली चाटें। आज हिंदुस्तान में मिट्टी की हांडी की बनी हुई दाल खाने के लिए 5-स्टार होटल में 400 रुपए लगते हैं, दिल्ली बंबई, हांडी की दाल। कभी जयपुर जाइए तो जयपुर शहर से पहले एक चौकी ढाणी करके रेस्टोरेंट बना है, तो वहां लोग सिर्फ खाना खाने इसलिए जाते हैं कि मिट्टी की हांडी की दाल मिलती है, और वो 250 रुपए की थाली देता है और दाल तो थोड़ी ही देता है, दूसरी बार ले लो तो 400 रुपए ले देता है। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया, 400 रुपए में तो 10 हांडी घर में आती है, लेकिन लोग ऐसे हैं कि 400 रुपए की दाल खाने वहां जाते हैं लाइन लगा के, घर में 4 हांडी ले आए और उसमें दाल पकाएं, वो उनको तकलीफ। तो मेरा तो आपसे कहना मिट्टी की हांडियां शुरू करिए लाना। मैं तो, मुझे बचपन का याद है, मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरी दादी माँ दूध बनाती थी मिट्टी की हांडी में, दूध पकाती थी और बहुत धीमी धीमी आंच पर वो दूध पकता था, पकते पकते एकदम लाल हो जाता था और उस दूध का जो स्वाद है वो किसी दूध में नहीं, और उस दूध का जब दही जमाते थे एकदम लाल सुरख दही होता था, उसका जब मक्खन निकालते थे तो मक्खन भी उसका ऐसा ही होता था, और उसकी छाछ पीते थे माने लस्सी, और भी अद्भुत होती। वो स्वाद हमने सब भुला दिया मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अमेरिका की और यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम मिट्टी को भूल गए। कुकर ले आए, यूटेंसिल्स आ गए, फ्यूचुरा आ गया, ये आ गया, महंगे महंगे चीजें, सस्ती चीज क्वालिटी। अब मैं आपको जो और गहरी बात कहने जा रहा हूं वो ये कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाए और उसका उपयोग करें, उसमें स्टोरेज करना सबसे अच्छा है। दाल पकाई, अब आपको स्टोर करके रखनी है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए भूल जाइए, कोई तकलीफ। सब्जी पकाई, स्टोर करके रखनी ही है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए भूल जाइए। दही बनाया,
स्टोर करके रखना है मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, दूध रखना है मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। ये स्टोरेज के लिए मिट्टी सबसे अच्छी है, पकाने के लिए भी सबसे अच्छी। कांच भी मिट्टी का ही एक स्वरूप है, कांच जो बनता है ना मिट्टी से ही बनता है, सिलिका, सिलिका माने मिट्टी। तो कांच का बर्तन भी मिट्टी के ऑल्टरनेट के रूप में चल सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा, उससे भी सस्ती मिट्टी है। और एक बात जान लीजिए, मिट्टी जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मां है। दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं। कैल्शियम आपको चाहिए मिट्टी से मिलता है, फॉस्फोरस चाहिए मिट्टी से मिलता है, सल्फर चाहिए मिट्टी से मिलता है, जिंक चाहिए मिट्टी से मिलता है, मैग्नीशियम चाहिए मिट्टी से मिलता है, मैग्नीज चाहिए मिट्टी से मिलता है, आयरन चाहिए मिट्टी से मिलता है। सारी दुनिया जहान के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी सूरज की धूप में लाखों साल तपती है, लाखों करोड़ों साल तपती है। कई बार मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने जितनी तपस्या नहीं की है उससे ज्यादा मिट्टी ने तपस्या की है। लाखों करोड़ों साल से धूप सूरज की ले रही है, रिसीव कर रही है, तप रही है, उसके तपने से उसमें जो क्वालिटी डेवलप हो रही है उसको हम भूल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे घरों में आजकल मिट्टी के घड़े आना बंद हो गए, फ्रिज आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, मिट्टी के दिए आना बंद हो गए, चाइना से बने हुए बल्ब की झालर आ गई दिवाली पे। हम कहते तो अपने आप को मॉडर्न है, लेकिन मूर्खों की श्रेणी में हम शामिल होते गए। हाँ, अभी कर रहा हूँ तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, पंजाब में अभी भी मिट्टी बहुत अच्छी है और पंजाब में कुम्हार भी। मैं थोड़े दिन पहले जलंधर गया था, जलंधर शहर में सड़क के किनारे बैठे हुए 10-12 कुम्हारों से मैं मिला था और उनसे पूछता था, भाई आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? कहते तकलीफ में चलती है। क्यों? कहते घड़े बनाते हैं पूरे बिक नहीं पाते, दिए बनाते हैं पूरे बिक नहीं पाते, हांडियां बनाते हैं बिक नहीं पाते, तो जिंदगी चलती तो है घिसट घिसट के चलती है। फिर मैं बोला अगर आपका बिकने लगे तो, उन्होंने कहा बहुत खुशी होगी। तो उनका कहना था कि हमारा बेचेगा कौन, हमारे पास कोई जाहिरात करने का, एडवर्टीजमेंट करने का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं करूंगा आपका एडवर्टीजमेंट, फोकट में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो मैं सारे देश में घूम घूम के लोगों से कहता हूं कि आज ही ऑर्डर दे दो अपने किसी कुम्हार को कि 2-4 हांडियां लिया, 1-2 घड़े लिया, तवा मिट्टी का मंगा लीजिए, जो 2-4 चीजें आ जाए आपके घर में तो बहुत सुधार आ जाएगा खाने में, क्योंकि कैल्शियम आयरन की डिफिशियंसी हमारे भोजन में खूब हो रही है। और आजकल उस डिफिशियंसी का दुष्परिणाम जानते हैं क्या है? हम सभी की माताएं और बहनें जब गर्भावस्था में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही नहीं इस दुनिया में, वो कैल्शियम की डिफिशियंसी का कारण, आयरन की डिफिशियंसी का कारण। आयरन और कैल्शियम दोनों ही कम होगा बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी होगी नहीं, बच्चा तो सीजर करना ही पड़ेगा। और जिनके बच्चे सीजर हो गए, याद रखिएगा, जिंदगी भर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकता। पीठ का दर्द, पांव का दर्द, घुटने का दर्द होने ही वाला है। सीजर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द नहीं मिटा सकता। जिंदगी भर डॉक्टर कहेगा दवा खाते रहो, दर्द बटाते रहो या कम करते रहो, फिर दवा बंद करो, फिर दर्द आएगा। तो इतना बड़ा जुल्म क्यों करना अपने शरीर पर? माताओं को अक्सर मैंने देखा है गर्भावस्था के समय में हीमोग्लोबिन 8 और 9 और 7 के आसपास है, आयरन की इतनी कमी है खाने में, आयरन मिल नहीं रहा है, कैल्शियम कम हो गया है, क्योंकि यूरिया डीएपी इतना डाल दिया है खेत में कि उससे हमारे शरीर के भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इसको कुछ बैलेंस करना है तो मिट्टी ही कर सकती है, क्योंकि मिट्टी में भरपूर कैल्शियम है, भरपूर आयरन है, भरपूर फॉस्फोरस। मिट्टी में दाल पकाते ही आप देखते हैं कैल्शियम बढ़ जाएगा, टेस्ट उसका बता देगा आपको, फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, टेस्ट बता। तो मेरा आपको फोर्सफुली ये रिक्वेस्ट है, जोर देकर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-4 बर्तन खरीद लीजिए, वो कुम्हार की जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर का बजट कम हो जाएगा और आपके भोजन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, भारत में 1,50,00,000 कुम्हार और 20 करोड़ परिवार हैं इस देश में। अगर हर परिवार 2-2, 4-4 हांडियां खरीद ले, 1-1 तवा खरीद ले, 1-1 घड़ा खरीद ले, तो 1,50,00,000 की जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल। और वो 1,50,00,000 जब अपनी जिंदगी आपकी मदद से चलाएंगे तो आपको ही भगवान मानेंगे। है बंटा, आप जो है, मैं जलंधर में देखा बहुत अच्छा तवा, काली मिट्टी का तवा है, लाल मिट्टी का तवा है, पीली मिट्टी का, 3 तरह के तवे हैं जलंधर में। जहाँ आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी के बिल्कुल बगल में बैठता हूँ मैं, उसके पास एक तवा, मैं पूछा काली मिट्टी वाला वो क्या, ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, फिर लाल वाला उसने कहा ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा, फिर पीला वाला उसने कहा ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा। इतना माइक्रो कैलकुलेशन है उसका कि ये मक्की की रोटी के लिए, ये मुझे तो लगा कि कुम्हारों से बड़ा साइंटिस्ट कौन है इस देश जो ये माइक्रो कैलकुलेशन करके बैठी है कि ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है, ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा। ये जरूर है कि उनके पास डिग्री नहीं है, सो व्हाट, डिग्री तो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है।
तो वो नॉलेज जो उनके पास है परंपरा से आया हुआ, उस नॉलेज का समाज के लिए सदुपयोग हो मेरी ये इच्छा है, और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका किचन का थोड़ा रंग रूप बदले। मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं मद्रास गया था। मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रुप है TVS, TVS जो मोटरसाइकिल है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे हीरो होंडा हमारे उत्तर भारत का, वैसे दक्षिण भारत का TVS ग्रुप है। शायद उनका टर्नओवर 2 से 2.5 लाख करोड़ का है। तो उनके घर के किसी सदस्य ने मेरी कोई CD सुनी, सीडी सुन के वो लेक्चर में आए। लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगे। मैं गाऊंगा अगर फुर्सत हुई तो। उनका आइए, हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं उनके घर गया डिनर के लिए, तो इतना हैरान हो गया कि उनके रसोई में सारे बर्तन मिट्टी है, गड़ा मिट्टी का है, तवा मिट्टी का है, हांडी मिट्टी की है, वो आटा गूंदने के लिए जो थाली होती है ना वो भी मिट्टी की, परात उसको सब कुछ मिट्टी। अब मैंने उनके घर की मालकिन से पूछा कि 2.5 लाख करोड़ का एम्पायर आप संभालती है, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर संभालती है, मिट्टी की हांडी में दाल पकाने का समय कब मिलता है आपको? तो उनका जो उत्तर था वो देख के मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर दीक्षित, दुनिया में हेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ हम मेंटेन नहीं कर सकते तो ये 2.5 लाख करोड़ कुछ काम का नहीं। अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर 1000 करोड़ कमाते हैं, उधर कमाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं। और अगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, दवा खानी नहीं पड़ती, तो इससे अच्छा क्या सौदा है? तो मैंने कहा समय ज्यादा लगता है, तो उन्होंने कहा मैं मैनेज करती हूँ उस समय को, इधर दाल चढ़ा दिया, उधर ये चढ़ा दिया, मुझे दूसरे काम है, फाइल साइन करनी है वो कर लिया, ऑर्डर किसी को प्लेस कर, वो सब मैनेज करती हूँ। तो मैनेजमेंट का ही सारा किस्सा है। तब मुझे समझ में आया कि ये बहानेबाजी हम छोड़ें कि इसमें समय ज्यादा लगता है, कि इसमें ऐसा होता है, ये धुलने में तकलीफ है, या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है आपके हेल्थ से ज्यादा। तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखिए, अगर आप मिट्टी के बर्तन लाएंगे तो बहुत ही अच्छा, स्टोरेज के लिए भी, पकाने के लिए। दूध आप जरूर पकाइए मिट्टी की हांडी में, फिर पीते देखिए। दही जमाइए मिट्टी की हांडी में, फिर खाते। आप कभी बंगाल जाते हैं, कलकत्ता में वो मिष्टी दही, मीठा दही मिलता है, सारा देश और दुनिया उसकी गुणगान करता है। उस दही की सारी क्वालिटी वो मिट्टी के कुल्हड़ की है, मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में दही जमा के रखते हैं उसका टेस्ट, और रसगुल्ला बनाते हैं, वो रसगुल्ले का दूध मिट्टी की हांडी में उबालते हैं, तब जाके वो रसगुल्ला इतना सॉफ्ट बनता है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बर्तन में दूध उबाल कर उसको फाड़े तो रसगुल्ले में सॉफ्टनेस नहीं आती, मिट्टी की हांडी में बनाते तो सॉफ्टनेस आती। तो पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, और अब तो मैं एक और बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि भारत के सारे बड़े मंदिर, देवालय, भगवान के स्थान मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। कभी आप पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां जो प्रसादम बनता है, भोग लगता है, वो मिट्टी की हांडी में लगता है। पहली बार जब मैं गया तो वहां के पुजारी को मैंने पूछा कि आपका मंदिर बहुत गरीब है क्या जो मिट्टी की हांडी में खाना बनाता है? तो पुजारी ने कहा कि हमारे मंदिर के पास 5,600 किलोग्राम सोना है, मंदिर के पास। आप क्या कहते हैं, गरीब है? मैंने कहा हाँ, ये तो नहीं कह सकता गरीब है। उन्होंने कहा हम तो मिट्टी की हांडी में इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं कि मिट्टी पवित्र होती है, उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज। तब मुझे स्ट्राइक किया कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये मंदिर का पुजारी है जो ये मानकर काम कर रहा है कि मिट्टी पवित्र होती है। मुझे ये बात समझने में लेबोरेटरी लगती है, रिसर्च लगता है, उसको ये बात समझने में 1 ही मिनट लगती है मिट्टी पवित्र होती है। तो मिट्टी की पवित्रता, मिट्टी के गुणगान जितने आप करना चाहें करिए, लेकिन जिंदगी में रखिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों की कहावत हम सिद्ध कर पाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहो, तो वो तभी संभव है जब मिट्टी की हांडियां हैं, मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी के बर्तन है आपके घर में। कोशिश करिए घड़ा तो आई जाए मिट्टी का पानी के लिए, दूसरी कोशिश करिए पीने के लिए गिलास जो चाहिए वो मिट्टी के आ जाए आपके घर में, तीसरी कोशिश करिए 2-4 हांडियां आ जाए, तवा आ जाए। यही पटियाला के आसपास के किसी कुमार को ऑर्डर दे दीजिए, वो इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि ये कहां से भगवान लोग चले आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और आपकी जीवन और आपकी जिंदगी दोनों बदलेगी। और मैं आपको एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूँ, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको भी ब्लड प्रेशर लो है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सब लोग कल से ही मिट्टी की दाल खाना शुरू करें, हांडी से चावल खाना शुरू करें, खिचड़ी, और 3 महीने के बाद आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बिना मेडिसिन खाए आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है, बिना मेडिसिन खाए आपका डायबिटीज माने शुगर कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन की आपका BP कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन की बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि बॉडी को जो खुराक चाहिए वो आपको भरपूर मिल रहा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर करें। लोहे के बर्तन के बारे में ये कहा जाता है कि लोहा जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन एक तो स्टेनलेस स्टील है, ये अच्छा नहीं होता, रॉट आयरन बहुत अच्छा, जो प्योर आयरन फॉर्म में मिलता है ना थोड़ा काला काला, वो लोहे के बर्तन। तो उस लोहे के बर्तन में आप सब्जियां बना सकते हैं, दाल भी चाहे तो पका सकते हैं, लोहे की कढ़ाई आप
बाजार में मिलती है आसानी से, वो कई गुने अच्छी है प्रेशर कुकर। काली हो जाती है? हाँ, काली हो जाती है तो उसका तरीका बताता हूँ साफ करने का। लोहे की कढ़ाई को साफ करने के पहले उसमें नींबू निचोड़ दीजिए या नींबू के छिलके से उसको अच्छे से घुमा दीजिए, और आपके घर में जो भी साफ करने के लिए है उसको रब करके कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। नींबू इस्तेमाल करके सब क्लियर कर देते हैं। बहुत अच्छा। आयरन उसमें आने ही वाला है, वो तो आयरन ब्लैक है तो आयरन आएगा, तो वो तो थोड़ी ब्लैकिशनेस आएगी, उससे घबराइए मत, क्योंकि आयरन की गोलियां खाते हैं आप, हजारों रुपए खर्च करते हैं, उससे अच्छा आयरन की कढ़ाई है आपके पास। इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये जो आयरन है कढ़ाई में, रॉट आयरन, ये स्टेनलेस स्टील से अच्छा है और कई गुना ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा अच्छा है। स्टील अच्छा है लेकिन 50-50 स्टील से अच्छा आयरन है। स्टील को क्या कहते हैं, स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें निकिल और क्रोमियम दो केमिकल मिक्स करने पड़ते हैं, दोनों ही हैवी है, तो स्टेनलेस स्टील से अच्छा हमेशा आयरन होता है। आयरन से अच्छा हमेशा कांसा है, कांसे से अच्छा पीतल है, और इन सबसे अच्छा मिट्टी। हाँ, कुछ लोग कलई कर लेते हैं, और वो कलई इसलिए की जाती है कि थोड़ा सफाई में मदद करे और उसमें ज्यादा घी भी नहीं चिपके, क्योंकि वो कलई करते ही थोड़ा स्टिकनेस उसकी कम हो जाती है, तो वो घी ज्यादा नहीं चिपकता, तेल ज्यादा नहीं चिपकता। लेकिन कलई ना करें तो अच्छा ही है, कलई कर भी लेंगे तो इतना खराब नहीं, इतना खराब नहीं। आजकल जो ज्यादा बीमारी है इंसान को तेजाब की और गैस। बहुत अच्छा। मैं अभी बीमारियों पर बात शुरू करूँ उससे पहले आज के सूत्रों से आप प्रश्न कर लीजिए।